सतना का एक गांव आज भी महात्मा गांधी के सिखाए पाठ पर चल रहा है। स्वावलंबन प्रथा को बनाए रखने वाले इस गांव में लगभग हर घर में एक चरखा चलता है, जो इनकी जरूरत भी है और परंपरा भी, क्योंकि बुजुर्गों ने महात्मा गांधी से पाठ सीखा और इन्हें विरासत में दे गए। सतना जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर रामनगर तहसील के सुलखमा गांव आज भी महात्मा गांधी के सिखाए हुए रास्ते पर चल रहा है। 3000 आबादी वाले इस गांव में गांधी का स्वावलंबन साफ नजर आता है। असल में गांधी जी ने जिस स्वावलंबी भारत का सपना संजोया था, उसका पालन आज भी इस गांव में हो रहा है और चरखे से कपड़े और कंबल बनाकर यहां के लोग बेचते हैं। इनका काम भी बटा हुआ है। चरखा चलाकर सूत काटने का काम घर की महिलाओं का होता है, जो घर के बाकी काम निपटाकर खाली बचे समय में चरखे से सूत बनाती हैं। इसके बाद का काम घर के पुरुषों का होता है, जो इस सूत से कंबल और बाकी चीजें बुनने का काम करते हैं। यह कि ये में फायदा नहीं मिला है हमको, कुछ सरकार ना दे ऐसा फायदा। लोग यही बचपन से करत रहे होंगे, तो हम लोग 40 साल में हम आनते यही कारण लागन हम लोग यमा से हमें कुछ यमा से उत्पन्न कुछ नहीं आए। पैसा दो पैसा पारा था यमा से कहा पारा था, नहीं कुछ आगे बढ़वा करी होगा करी थे और कुछ हमें लाभ यमा से नहीं आए। हम लोग यह कब से कर रहे थे कि आज कम से कम 40 साल है ये सयान लोग करत रहे। अब यह तो धंधा है भाई, दूसरा तो धंधा नहीं। अब यमा जो है तो उसे हिसाब लगाई तो कुछ नहीं करे मजदूरी का, आज कुछ नहीं। अब दूसरा कोई रोजगार न पर धंधा न कुछ, अब कर जाई तो जाई कहाँ। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।